मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएमवेली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी। क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड प्लस 2 शॉप्स रेडी होने पर है। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल है। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। शंकर मंदिर से संजय नगर तक पागल कुत्ते का आतंक, छोटे बड़ों समेत 50 लोगों पर किया हमला, समाज सेविका ने मनपा की टीम को बुलाकर पकड़वाया। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 3-4 दिनों से मुमरा के शंकर मंदिर से लेकर संजय नगर परिसर में समूची आबादी में एक काले पगलाए हुए कुत्ते का आतंक फैला हुआ था। इस कुत्ते द्वारा कई लोगों पर हमला किया गया है, जिसमें छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग भी हैं। ये कुत्ता किस तरीके से जो है आतंक फैलाया हुआ था, उसका एक सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 2 अलग अलग एंगल के कैमरों से ये सीसीटीवी फुटेज आया है। पहले में आपको बच्चे पर हमला करता हुआ ये काला कुत्ता दिखाई देगा, उसके बाद दूसरे एंगल में उसको लोग भगा रहे वो दिखाई देगा। वहीं सोमवार 30 जनवरी को यहाँ की संजय नगर की स्थानीय समाज सेविका चेतना दीक्षित ने कुत्ते के इस आतंक के बढ़ने के कारण थाने मनपा के एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट की अधिकारी है, मेडिकल ऑफिसर है क्षमा शिरोडकर, इनको संपर्क कर टीम बुलवाई और इस टीम को फिर इस कुत्ते ने कितना दौड़ाया, कितनी मशक्कत करना पड़ी, उसके सारे वीडियोज हम आपको दिखा रहे। इस दौरान भी उसने मुख्य रास्ते पर दौड़ने के वक्त कुछ लोगों पर हमला भी किया है। किस तरीके से ये पूरा काम हुआ, इस बारे में संजय नगर के कुछ नागरिकों समेत मनपा एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट की टीम बुलाने वाली समाज सेविका चेतना दीक्षित से भी बातचीत की गई है। इस दौरान क्या कहा उन्होंने वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। समीर भाई, क्या यहाँ कुत्ता पागल हुआ था, उसे पकड़ा गया? भाई, कुत्ता पकड़ा गया, अभी हमारे टीएमसी के लोग आए थे, हमारे लोगों ने कुत्ते को पकड़ा है, अभी उसको थाना वागले स्ट्रीट लेकर जा रहे हैं। संडे का दिन था, हमारा काम बंद रहता है, मगर फिर भी चेतना मैडम ने और यहाँ के राहुल राहिल वगैरह लड़कों की मदद से हमारा एक काम हो गया। फटक से मैं शिरोडकर मैडम ने गाड़ी भेजी थी, अभी गाड़ी आई है, डॉग को डाल के लेकर जा रहे हैं। चेतना मैडम, सुबह से ये कुत्ता काट रहा था, अब तक कितने लोगों को काटा है? कुछ कम से कम अभी 8:30 बजे तक 35 लोगों को काट चुका था। फिर बाद में जब मुझे मालूम पड़ा कि उसको पकड़ने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा है, तो मैंने जो टीएमसी की हेड मैडम है, वेटरनरी करी क्षमा करके हैं, क्षमा शिरोडकर मैडम, उनको डायरेक्ट कांटेक्ट किया और उन्होंने अर्जेंटली वैन भेज के किया। उतने में वैन आने तक अभी तक जो भी आधा पौना घंटा लगा, उतने में भी 15 लोगों को काट लिया। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है कि इसको एक पागल कुत्ता काटा था, उसके बाद से ये पागल हुआ और इसने भी और कई कुत्तों को काटा है, अभी तो आगे हम लोग भी डेंजर है, तो ये मनपा को सूचना दी आप लोगों ने इसके बारे में? नहीं, उससे उसके लिए तो हम लोग करेस्पोंडेंस करेंगे, लेकिन जो एरिया के जो कुत्ते रस्ते पे के है उनको हम लोग एंटी रेबीज का इंजेक्शन कल दिलवाएंगे। कहाँ पे काटा ये, कहाँ पे? कंपनी के पास। कंपनी के पास? काट लिया। अरे रे 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 रे, कलवा 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 हॉस्पिटल जाओ। संडे लगे ना, आज बराबर दिनों सबको काट लेना चाहिए। चल ले चल।